हेलो एवरीवन, मस्ट टू 50 प्लस ज्योमेट्री क्वेश्चन में टुडे विल बी डिस्कसिंग क्रीज प्रॉब्लम, लेंथ ऑफ क्रीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, द फिगर बिलो शोज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ पेपर, वन कॉर्नर ऑफ विच हैज़ बीन फोल्डेड ओवर टू मीट द अपोजिट एज। मतलब हमने जो इस वाली एज को फोल्ड कर दिया ऐसे, राइट, देयर बाय क्रिएटिंग अ 30 डिग्री एंगल। यू कैन सी द एंगल हेयर। गिवन दैट द विथ ऑफ द स्ट्रिप इज 12 inches, सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द क्रीज। मतलब कौन सी है लेंथ ऑफ द क्रीज, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ द क्रीज की अगर मैं बात करूँगा तो जो हम पेपर पे एक इम्प्रेशन मन को मिलता है ये लेंथ ऑफ क्रीज है। तो मुझे जो ब्लैक कलर का लेंथ है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके पीछे का एक तरह से कॉन्सेप्ट या लॉजिक, उसके बाद सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल बनते हैं, तो अगर 30 के सामने जो भी वैल्यू होगी के फॉर एग्जांपल, तो 60 के सामने के रूट 3 और उसका हाइपोटन्यूज 2k होगा। ये मैंडेटरी है बिकॉज 10 अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो रेशियो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो अगर इस फिगर को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ तो एक ऑब्जर्वेशन है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये ठीक है, ये इस तरह से फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि वो हमको अब एक तरह से इमेजिनरी है। दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द क्रीज, राइट। तो दिस इज 12। तो मैंने बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है कि यहाँ पे मैंने इस लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर लिया, तो ये 12 है तो फिर ये भी 12 होगा। अच्छा, अगर आप मान लो इस पेपर को ऐसे फोल्ड करते हो इस लाइन के बीच में, तो ये जो लाइन है ये एक तरह से एंगल बाइसेक्टर बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल भी 30 होगा और ये टोटल 90 है, तो ये भी 30 होना मैंडेटरी है, इज इट क्लियर। अच्छा, इसका मतलब ये जो नीचे वाला ट्राइंगल मैंने बनाया, छोटू ट्राइंगल है यहाँ पे ब्लैक कलर से, ये 12 है, ये 30 है। तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू 30 के सामने k होगा, तो फिर ये दूसरा एंगल 60 बचा, तो ये सामने k रूट 3 होगा। इसका मतलब k रूट 3 की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 4√3 बाय द रेशनलाइजेशन मेथड, और ये जो हाइपोटन्यूज ये 2k हो जाएगा, दैट इज़ 8√3 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 8√3 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये k रूट 3 है, अच्छा अब मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि क्योंकि ये जो ट्राइंगल है, जो ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्गनेंट है, कैसे ये 90 डिग्री है। तो ये जो कॉर्नर है ये यहीं से फोल्ड होके आए, तो ये भी 90 होगा, बिल्कुल सही बात है। ये तो है ही साइड कॉमन, राइट, ये एंगल इक्वल है, ठीक है। और ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल होगी क्योंकि इसी का पार्ट है। तो ये 8√3 है, तो ये वाली लेंथ 8√3 होगी, क्यों, क्योंकि ये वाला ही फोल्ड होके इससे यहाँ पे आया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये 8√3 हो गया। अब मैं ऊपर वाला ट्राइंगल बनाता हूँ, राइट, ये 30 डिग्री, 8√3। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो बाय द प्रॉपर्टी अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, भाई यहाँ पे रूट 30 बन गया, नहीं बन गया, तो ये हो जाएगा के, या दूसरा कोई अल्फाबेट ले लेते हैं, लेट इट बी पी। तो ये पी है, ये 60 बनेगा, तो ये पी रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। ये पी रूट 3 हो गया, तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई कैन से पी की वैल्यू 8 हो गई, तो इसका जो डायगनल है ये 2p हो जाएगा, और 2p का मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 2p है। हालांकि मैं इसको 8√3 से भी कर लेता, ठीक है, उससे और भी ईजी हो जाता, क्योंकि जैसे ही आपको पता चला कि 8√3 है, अभी आपको ये 60 के सामने 8√3 है, ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाती, तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है ये 2p का मतलब 16 हो गया, हाँ, क्योंकि 1p का मतलब 8 है, तो 2p 16 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द क्रीज इसका जो आंसर है वो 16 inches है। सो होपफुली यू लाइक्ड इट, आपको समझ में आया होगा। कोई फीडबैक, कोई सजेशन है तो यू कैन लीव योर कॉमेंट।
एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद वन मोर कॉन्सेप्ट. टिल देन हैप्पी लर्निंग. यू कैन कीप द थिंग्स लर्निंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. टेक केयर. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल द सेलेक्शन क्लासेस.